और देव तैयार हो गए, सब और हागत बाट वातावरण भी अच्छा, सब कुछ अच्छा। संत हृदय नवनीत समाना दे देंगे, कम से कम हमारे पास स्थानांतरित होता रहे। सबसे सुंदरता क्या चीज है, सबसे ज्यादा सुंदरता कौन चीज है? हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। स्वागत करता हूँ आज के न्यू ब्लॉग में। आज फिर सुबह, कल तो बरसात हो रही थी, आज फिर मैं चल रहा हूँ खेत में। आखिर में टॉयलेट कर कौन रहा है, तो रखाना पड़ेगा ना। कल तो बरसात हो रही थी, आज मौसम बहुत कोहरा है। आप देखो मेरा खेत दिख ही नहीं रहा, यहाँ से खेत तो दिख ही नहीं रहा है। आज पूरा एकदम पता ही नहीं चल रहा, इतना कोहरा है आज। कल बरसात हुआ इसलिए तो मौसम थोड़ा साफ हो गया था, लेकिन आज कुछ नहीं दिख रहा है, बस केवल कोहरा आसपास। उधर पीछे जिस तरह से आ रहे हैं, देखो उधर भी। आज देखते हैं कौन मिल रहा है टॉयलेट करते हुए खेत में। मिल जाएगा दवाई, अच्छे से उसकी करेंगे। इसलिए आज सवेरे, अब रोज़ सवेरे आऊँगा, खेत को देखूँगा आखिर में है कौन। CID की तरह। और ये है खेत में पानी चलाने का वही जगह है, यहीं से इसी क्या नाम है मेड़े होकर के पानी मेरा जाता है। ये देखो, ये देखो, ये जा रहा है सुबह डब्बा लेके मेरे खेती की तरफ जा रहा है। ये देखो, ये हाँ, ये बरसीम तो लग रहा है, बरसीम धीरे धीरे जम रहा है। हमारे खेत में कब अंकुरण होगा भाई, मजा आ रहा है। खेत की जो वातावरण होता है, खेत की जो हवा होती है बाहर की, खासकर ग्रामीण क्षेत्र की, बहुत शुद्ध बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर, बहुत शानदार लग रहा है। कभी खेत में आप जाइए, खुले वातावरण में वहाँ का देखिए हवा, और शहरों का, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो मुझे देख रहे हैं उनको पता चलेगा हाँ खेत की हवा कैसे होती है। आगे मेरे खेत में अंकुरण हो गया है। इधर कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे लोग चहले वाले हैं, लेकिन इधर बरसात होने से सब में एक ही दिन हो गया। देखो आप, ये मेरा सरसों, कुछ सरसों के दाने अभी भी हैं। ये सरसों के पौधे तैयार हो गए, ये देखो धीरे धीरे पौधे छोटे 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 इतने हो गए हैं। एक गेहूं का है, देखो आप छोटे छोटे पौधे तैयार हो गए हैं, क्या बात है। आज खुशी हो रही मुझे, वाह। ये देखो तैयार हो गया है, वाह क्या बात है। बहुत अच्छा लग रहा है, कम से कम अंकुरण तो हो गया, और धीरे धीरे अब उजाला हो रहा है। इधर सूर्यदेव उगने को हैं। ये देखो बाहर से ये सांड बहुत सारे, लगभग ये 3-6-7-8 सांड दिख नहीं रहे होंगे, क्योंकि बहुत दूर दूर है ना, वो सब हमको दिख रहे हैं, इस कैमरे में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हैं लगभग 7-8 हैं। अब सुबह सुबह आने से पता चला कि खेत में सांड भी आते हैं, चल रहा था वहाँ पे खेत में, वहाँ पे अभी दिखाई देखो कोहरा ज़्यादा, इतना कोहरा है कि दिख नहीं रहा है, वो सब चले गए दूर। बहुत रखवाली करनी पड़ती है खेत में, जब आया हूँ तब थोड़ा सा ज़्यादा कोहरा था, अब धीरे 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 छट रहा। देखो आप, अगल बगल मेरे पास में जितने सब खेती हैं, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा, केवल कोहरा 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 दिख रहे हो ना, जो धीरे 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 सूर्यदेव है दिख रहे हैं आप, दिख रहे हो, ये देखो ये अब धीरे दिख रहे हैं, और आसपास धीरे धीरे आपको खेत भी हल्का दिखाई दे रहा होगा, है ना। अब ज़्यादा हो गया है, अब वहाँ से मैं आ रहा था, देखो वहाँ से अब वो सड़क भी दिखने लगी, अरे खेत के देखो वहाँ तक खेत दिखने लगा। अभी जब मैं आया हूँ तो कुछ नहीं दिख रहा था, दिख रहे हो आप, ये देखो सब दिखने लगा। हाँ नहीं दे दे तुम कि भाई दे दी, अब अच्छा बनवा थी तो दे ही देती, कौन दिक्कत है। रोज देखत बाटी कि सब आवत बाटे, हागत बाटे। हाँ 300 आठ बिस्सा है तो 300 में 300 भाई, 300 भाई ना। हाँ जताइयो से ज्यादा ले लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। अरे अब जब हमको पता ना है तो क्या करिए भाई, ले 300 रुपये जोताई है, 200 रुपये पढ़ा बनवाए ले रहा। हाँ कितना है मेहनत पड़ती है, 2 घंटा का। अरे क्या बताऊं भाई, मांगा तो हमने कहा भाई दे दे, आप कहे कि हाँ दे दो, तो हमने कहा भाई अब पहा बना रहा है तो दे देता हूँ, हमको क्या पता 200 रुपये बीघा है, 200 रुपये बीघा खुला रे। तो चलो अब चलते हैं घर पे, बड़ा अच्छा लगा आज। कल आया था तो कल तो बरसात होने लगी थी, आज इतना कोहरा, आज अच्छा लग रहा है खेत में हमको। मस्त, सांस भी अच्छी, ब्रेथ भी अच्छी, हवा भी अच्छा,
वातावरण भी अच्छा, सब कुछ अच्छा। कभी कभी अनजाने में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारियाँ मिल जाती हैं, और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी जानकारी धीरे धीरे हो जाती है। हमारे यहाँ अक्सर एक बीघा का पोहा बनवाई, मतलब कि खेत जब जुता जाता है, बोया जाता है, तो उसमें पानी चलाने के लिए पाहा मेड़ी बनानी पड़ती है। मेड़ी बनवाई, 200 रुपये बीघा है, और जिसने मेरा खेत को बगल में मेड़ी बनाया तो उनसे मैंने कहा मेरा भी बना दीजिए भाई, मुझे पहली पहली बार नहीं आता है, बना दीजिए। वो दुकान पे आ गया, 200 रुपया लिया। अरे गुड्डू भाई बता रहे थे कि 200 रुपया लिया, बहुत ज़्यादा लिया, 200 रुपये का यही घर है उनका, है ना, हो ही गया है अपने घर पे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारा वासुदेव। कुछ है खाने के लिए मम्मा? मेरे को कुछ लगी है। मम्मी से पानी पी लिया। वाह गरम। मस्त। तो 200 जो है वो एक बीघा का है, मेरा आधा बीघा है, तो आधा का सही होना चाहिए, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण मैंने उसे 150 कहा। मैंने कहा 150 ले लो, तब भी गुड्डू भाई मिले खेत में, बोले कि उसने जो है आपसे ज़्यादा लिया। मैंने कहा ज़्यादा कैसे लिया, मुझे पता नहीं था, मुझे लग रहा है कम लिया, 200 बोल रहा था, मैं 150 दिया, मुझे लग रहा मैं कम दिया, लेकिन आप कह रहे हो ज़्यादा हुआ, तो भाव के हिसाब से अगर 200 रुपये बीघा है तो ज़्यादा लिया। बहरहाल धीरे धीरे सीखने को हमको ऐसे ही, या जो भी लोग नए होते हैं उनको ऐसे ही मिलता है, जब कभी ठगाते हैं, जब कभी काम करते हैं तो पता चलता है। आज सवेरे मंदिर पे भी आ गए, मैंने कहा चलो भाई मंदिर का दर्शन कर लेते हैं, यहाँ भी कोहरा है और जिस तरह से गर्मी में लगता था उस तरह ठंडी में नहीं है। देखो ये पूरा ये पोखरा उस पार तो दिखता है, आज दिख नहीं रहा है कुछ, अलग ही जगह बन जाएगा। वह पुत्र जो है आपका आज्ञाकारी पुत्र होगा, उसके लिए आपके लिए विशेष दिल में जगह बन जाएगी। क्या सरकार जी? तो इसी प्रकार से संत लोग हैं, उनकी जितना आप निकट रहेंगे, उनकी जितनी आज्ञाकारिता होगी उतना ही आपको लाभ मिलेगा। संत हृदय नवनीत समाना, वह तो नवनीत के समान, तो मक्खन के समान, तो आशीर्वाद प्राप्त करने माते बहनों का आशीर्वाद। आशीर्वाद है, हमें लेने आते हैं, आशीर्वाद मिले, और आपका आशीर्वाद उसके बाद हम लेने आते हैं। आपके आशीर्वाद हमको दिया करें, अपने रखे ना, रखने से कहा होगा कि सड़ उड़ जाएगा। नहीं नहीं बिल्कुल, हम दे देंगे, कम से कम हमारे पास स्थानांतरित होता रहेगा। आशीर्वाद ही एक ऐसा चीज है जो कि खराब नहीं होता, एक्सपायर उसका डेट नहीं होता है, बाकी सारी चीजों का चलता रहता है, अनवरत चलता रहता है। आप उनको दिए, उनको दे दिया, चलता रहता है। क्यों महाराज जी? हाँ जी बिल्कुल। जय जय श्री राम। जी महाराज जी से और कुछ लोग वहाँ पे मिले, बातचीत भी हो रही थी, आनंद आया। चप्पल कहाँ है भाई? इसे बच्चों को खिलाने के लिए बच्चा बनना पड़ेगा, है ना? पर बुलहट के कृष्णा भगवान के खिलावे खातिर उनकर माता बच्चा बन जाती है। सही ठीक है, तो खेलत रहूं और आई समोसा खा ली खाए तो वो सिर्फ प्रवचन भार देंगे कि सबसे सुंदरता क्या चीज है, सबसे ज्यादा सुंदरता कौन चीज है, हाँ, कौन चीज है, कौन कौन है, कौन है, तो कोई गौरी माता बताता है, कोई किसी को बता रहा है, कहे सबसे सुंदरता कृष्णा भगवान है। सही बात है, क्यों जी? सही है, सही है ना? अरे हाँ, तो कह सकते हैं सही है, सबसे ज्यादा सुंदरता भगवान कृष्ण में है। हाँ। तो दोस्तों मंदिर से हुआ है, आज महाराज जी से मुलाकात की, बहुत दिन हो गई थी बातचीत नहीं हुई। आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ, या जो लोग नए लोग खेती करते हैं या खेती करना चाहते हैं, उन सभी को क्या क्या दिक्कत होती है, क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी।
पसंद आएगा चैनल को, पहली बार चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, सब बात।